ताकि समझ कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। 4542 पंचायत हैं, उन्होंने हर घर में स्वच्छ भारत आपके माध्यम से राज्य के हालात जनता के समक्ष रखना चाहता हूं। सब जानते हैं कि जल ही जीवन है और इसके बिना, जल के बिना जीवन अधूरा है। इतने गंभीर विभाग को भी इस सरकार ने पूरी और गंभीरता से लिया है। पिछले एक साल में इस विभाग में मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई काम नहीं हुआ है। हेमंत सरकार पेयजल और स्वच्छता विभाग के मामले में पूरी तरह से फेल है, फिसड्डी है, बेकार है, निकम्मी है और वर्णाशन हो गई है। एक साल में यह सरकार बजाय प्यासे को पानी पिलाने के सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का घूंट पिला रही है। मैं आप मित्रों को याद दिलाऊं, जब पंचम विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो आपने कई मित्र सदन में मौजूद थे और वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने एक घोषणा किया था कि मैं हर पंचायत में विधायकों के माध्यम से 5 चापाकल लगवाऊंगा और 3 महीने के अंदर लगवाऊंगा। वो 3 महीना आज तक नहीं आया, तो हम सब इंतजार कर रहे हैं वो 3 माह कब आएगा। अब जब सरकार का एक साल पूरा हुआ तो उनके पेयजल स्वच्छता मंत्री श्रीमान मिथिलेश ठाकुर जी की निद्रा टूटी। अब उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूं। अब उनको लग गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कर नहीं पाया, उनकी घोषणा से तो हो नहीं पाया, तो उन्होंने कहा कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि 3 महीने के अंदर मैं प्रत्येक पंचायत में विधायकों के अनुशंसा पर 5-5 चापाकल लगवा के रहूंगा। जिस सरकार को सिर्फ चापाकल लगवाने के लिए एक साल इंतजार करना पड़े और शपथ लेना पड़े, तो सरकार से उस सरकार का भगवान ही मान लिया। चलिए हम मान लेते हैं कि अगर 22,810 चापाकल भी लग जाते तो शायद प्यासे को पीने का पानी मिल जाता। मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि ये जो सरकार है झारखंड में चल रही है, सच पूछिए तो ये सरकार उल्टी खोपड़ी की सरकार है। ये सरकार उल्टी खोपड़ी की सरकार है, ये हेडलेस सरकार है, ये विजनलेस सरकार है। इसको यह नहीं पता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बस सिर्फ बोलना है और बोलना है, सिर्फ घोषणा करना है, यही इस सरकार को आता है। 2013 में मैं ले जाना चाहता हूं आपको, जब हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन जी ने एक घोषणा किया था, उस समय आपको याद होगा कि झारखंड में जो भूगर्भ जल का स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है, इसलिए हम झारखंड में एक भी चापाकल लगने नहीं देंगे। 2013 में घोषणा किया था, मुझे भी अच्छा लगा था कि चलिए एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है कि अब भूगर्भ जल का स्तर नीचे जा रहा है तो चापाकल लगने नहीं देंगे, वैकल्पिक स्रोत तलाशेंगे। लेकिन वही हेमंत सोरेन सरकार जिन्होंने कहा था 2013 में कि हम नया चापाकल नहीं लगाएंगे, जो 4,04,000 लगभग चापाकल है, समय समय पर सिर्फ उसका मरम्मत करेंगे, हम नया चापाकल नहीं लगाएंगे। वही हेमंत सरकार दोबारा सत्ता में आई तो अब कह रही है कि हम एक साथ 22,210 चापाकल लगाने का काम करेंगे। अब आप ही बताइए, अपने ही निर्णय को यह सरकार उलटने वाली सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह विजनलेस सरकार है, इसका कोई ठीक नहीं है कब क्या कहेगी, कब क्या नहीं कहेगी। जोहार, मैं नगेंद्रनाथ गोस्वामी, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के उपाध्यक्ष। सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों और देश वासियों को
नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। डॉक्टर रमेश प्रसाद, संचालक सिंकू नर्सिंग होम का, मैं समस्त दिल्ली वासियों को और समस्त देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग शांतिपूर्वक नव वर्ष को मनाएं। जोहार, मैं सीमा कुमारी गोंजू, मुखिया लुपुंग पंचायत सिल्ली। मैं समस्त सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों एवं समस्त भारत वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ।